हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर 5 बेसिक्स ऑफ एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एमएस वर्ड इन अर्लियर क्लासेस। आप अपनी लास्ट क्लासेस में एमएस वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। यू नो दैट इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आप जानते हैं क्या कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड। एमएस ऑफिस इज़ अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA। एमएस ऑफिस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA में डेवलप किया गया। एमएस पावर पॉइंट इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेजेस इन एमएस ऑफिस विच इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एक्साइटिंग स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। एमएस पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर पैकेज है एमएस ऑफिस का ही, लाइक एमएस वर्ड। तो इसमें आप कोई भी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं स्लाइड्स के थ्रू। अ प्रेजेंटेशन अ स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ प्रेजेंटेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन की स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी को क्या बोला जाता है? प्रेजेंटेशन बोला जाता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अलोंग विथ ग्राफिक्स मूवीज साउंड्स एक्सेट्रा। ऑल दीज आर डिस्प्लेड टुगेदर ऑन द स्क्रीन। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है? इसमें ग्राफिक्स मूवीज साउंड सारी चीज़ें होती हैं। ऑल दीज आर डिस्प्लेड टुगेदर ऑन द स्क्रीन। सारी चीज़ों को आप स्क्रीन पर एक साथ देख सकते हैं। Take a close look at some of the presentations prepared using MS PowerPoint. A presentation contains number of slides which are grouped together in sequence to form a slideshow. Presentation में आप कई सारी slides का use करके आप किसी topic के ऊपर presentation create कर सकते हैं, जिसमें आप audio, video, sound, pictures ये सारी चीज़ें डाल के उसे और effective बना सकते हैं। A slideshow is an electronic presentation displayed on a computer screen. See different people using MS PowerPoint. Slideshow एक electronic presentation होता है कि जो computer screen पर किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर different type से आपकी presentation किया है। Bank staff bank में इस तरह से करते हैं, teachers, students एंड बिजनेसमैन। यानी कि किसी भी टॉपिक को अगर आपको एक्सप्लेन करना है प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू, आप एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करके आप उसको दिखा सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट 2007। आप एमएस पावर पॉइंट 2007 को कैसे अपने कंप्यूटर पे आप स्टार्ट करेंगे? तो उसके यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो वन बाय वन देखते हैं। स्टेप वन, क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। स्टेप टू, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। फिर ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कीजिए। स्टेप थ्री, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक कीजिए। स्टेप फोर, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पर क्लिक करिए। आपका पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। The MS PowerPoint 2000 screen opens up as shown. आप जैसे ही Microsoft PowerPoint 2007 पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ PowerPoint के कंटेंट्स दिए गए हैं, हम देखते हैं कौन कौन से कंटेंट्स हैं। क्विक एक्स टूल बार, ऑफिस बटन, स्लाइड्स, टाइटल बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सीमाइज बटन, क्लोज बटन, रिबन, प्लेस होल्डर एंड स्टेटस बार। सो दीज आर सम कंटेंट्स ऑफ एमएस पावरपॉइंट विंडो। स्क्रीन एलिमेंट्स, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज टाइटल बार। इट इज़ लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द स्क्रीन। टाइटल बार शोज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग। इट ऑल्सो कंटेंस मिनिमाइज, मैक्सीमाइज एंड क्लोज बटन। टाइटल बार आपके स्क्रीन के सबसे टॉप पर होता है। टाइटल बार पे आपकी फाइल का नेम होता है मेंशन। जैसे कि एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था पहले कि जैसे एमएस वर्ड की फाइल आपने क्रिएट की तो उसके ऊपर भी आपकी फाइल का नेम होता था।
आप अपना नेम उसमें खुद से डाल सकते हैं। ऐसे ही आप प्रेजेंटेशन को भी एक नेम देते हैं। वैसे प्रेजेंटेशन का जो डिफ़ॉल्ट नेम है यानी कि ऑलरेडी सेव नेम प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2 इस तरह से आता है, लेकिन अगर आप अपना नाम देना चाहते हैं तो वो भी आप प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कंटेन मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, और प्रेजेंट इसमें टाइटल बार पे आपके मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स भी होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, इट इज़ लोकेटेड ऑन द टाइटल बार। क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार पर ही होता है। इट हैज़ टू डू कॉमन टास्क विथ जस्ट वन क्लिक। क्विक एक्सेस टूल बार पर आप कुछ स्पेशल टास्क दिए होते हैं लाइक अंडू, रीडू, सेव, कॉपी, इस तरह के कुछ ऑप्शन दिए होते हैं और भी आप ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं, तो इसमें आप वन क्लिक पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिबन, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ रिबन, टैब्स एंड ग्रुप। रिबन के टू पार्ट्स होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब कंटेन्स कमांड्स अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप। हर एक टैब पर डिफरेंट ग्रुप्स अरेंज होते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टैब्स हैं एंड यहाँ ग्रुप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।